खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल पब्लिक डिबेट विद रिगार्ड टू द इमोल्यूमेंट्स पेड टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। The present practice allows the recipients to fix their own emoluments, which invites criticism. I am therefore proposing necessary changes to refix the salary, constituency allowance, other expenses and meeting allowances payable to members of parliament with effect from 1st April 2018. संसद में देश का बजट पेश करते वक्त सांसदों के लिए बड़ा तोहफा भी वित्त मंत्री के पिटारे से निकला है। यानी जन प्रतिनिधियों को आप चुनकर संसद भेजते हैं, उनका वेतन अप्रैल महीने की पहली तारीख से दोगुने से भी ज्यादा होने वाला है। सांसदों को भी वेतन और भत्तों को मिलाकर 1,05,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, लेकिन नए बदलाव के बाद सांसदों को अब हर महीने 2,20,000 रुपए मिलेंगे। उनका वेतन 50,000 से सीधे डबल यानी 1,00,000 रुपए हो जाएगा। चुनाव क्षेत्र के लिए अब 45,000 से 70,000 रुपए दिए जाएंगे, तो सचिवालय भत्तों में 30,000 से 60,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह कि सरकार एक नया कानून भी लेकर आएगी, जिसके तहत सांसदों का वेतन हर 5 साल में महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ेगा। द लॉ विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एन ऑटोमेटिक रिविजन ऑफ इमोल्यूमेंट्स एवरी 5 ईयर्स इंडेक्स टू इन्फ्लेशन। बजट के बाद संसदीय दल की बैठक में भी सांसद वेतन बढ़ोतरी पर बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सांसद खुद अपनी सैलरी बढ़ाते थे तो चर्चाएं होती थी, इसलिए इस बारे में नियम बना दिया गया, जिसे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई। बजट का प्रक्रिया और बजट का उद्देश्य वो पारदर्शी भी है, वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी है, और जैसे मैंने कहा सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को साकार करने वाली। अपने इस फैसले पर मोदी सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है तो सांसद भी गदगद है, हालांकि खुले तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बीजेपी के ही सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को लीजिए, जिनका जवाब सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। हमारी सैलरी कहाँ बढ़ी, हम लोग को सैलरी बढ़ाना ही नहीं चाहते। हम तो नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं, हम जब तक देश के हर लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा देंगे हम अपनी सैलरी की बात नहीं करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन और भत्तों में 200% से ज्यादा बढ़ोतरी का ऐलान किया। The emoluments of the president, the vice president and the governors were last revised on 1st January 2006. These emoluments are proposed to be revised to rupees 5 lakhs for president, rupees 4 lakhs for the vice president and rupees 3.5 lakhs per month for the governors. ये सरकार का अपना फैसला है, लेकिन जहां तक सांसदों की बात है तो वो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से ही अपना वेतन बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। दलील देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में उनका वेतन भी बढ़ना बहुत जरूरी है और सांसदों की सरकार ने सुन ली। लेकिन देश के आम आदमी का क्या, जिसकी झोली खाली की खाली है। सरकार हर बार बजट में योजनाओं का अंबार तो लगाती है, लेकिन जनता की कंगाली दूर नहीं होती, जबकि सांसद मालामाल होते चले जाते हैं। इस पर बजट से ठीक एक दिन पहले घंटी बजाओ में देश की बड़ी रिपोर्ट हमने दिखाई थी और ये मांग की थी कि सरकार के बजट का मुख्य लक्ष्य देश की हर जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाना होना चाहिए जिससे आर्थिक विकास सबका समान रूप से हो। इस दिशा में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने जरूर आवाज उठाई है। वरुण ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि आर्थिक रूप से संपन्न सांसदों के बीच वो वेतन न लेने की मुहिम की शुरुआत करें तो देश की जनता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।